हाइकोर्ट बेंच प्रसंगती बैकफुट ने बीजेडी ओकिलकर लागिर नाई न बीजेडीर दरद लागुचे ओकिलकर गिरफार पुलिस जुलम के बीजेडीर समर्थन घटनार कुरेदिन उत्रुभिल मुह नाई खुलबा बीजेडीर केनसी नेता सेड़े ओकिल मानकु भेटी करी आलोचना करिचन बीजेपी आर कांग्रेस आर टीम हाइकोर्ट बेंच प्रसंगती बैकफुट ने बीजेडी ओकिलंकर लागिर नाई न बीजेडीर दरद ओकिलंकर गिरफ्तार पुलिस जुलूम के बीजेडीर समर्थन एतकी दिन उत्रुभिल मुह नहीं खुलबा बीजेडी नेता ओकिल आंदोलन आर हाईकोर्ट बेंच प्रसंगति बैकफुट ने बीजेडी आंदोलन के समर्थन कले हेले आईनजीवी गिरफ परे पाखे किए नहीं आसी ओकिल गिरफ प्रसंग नहीं करी एबे तक मुह नहीं खुलबा बीजेडी नेता इनु ही जना पड़ुछे स्थायी हाईकोर्ट बेंच स्थापना राज्य सरकार कर केते दरद अछे 12 तारीख सत्याग्रह आंदोलन बेल के कोर्ट भित्रे भंगारुजा घटना नहीं करी आईनजीवी को गिरफ करा जाई छे इने करे बीजेपी दुख जने थिबार बेल के बीजेपी गुटे टीम गला 27 तारीख समलपुर जाई थिले जेल ने पहुंची गिरफ आईनजीवी को भेटी थिले आज को प्राय 60 वर्ष धरी से माने जाउ थिले ए आंदोलन हेबा आरंभ दिन ठारु मध्य से माने से रास्ता रे जाउ थिले विभिन्न समय आंदोलन रे गला बेले केतले नागरिक कमिटी ताको अनुरोध करंती सने फेरी आसंदे तो अनेक सर हेछि तो आज काहे कि को पटु बुलीकरी तने लुचीकरी गले ये गोटे बड़ प्रश्न आसी ता बुद्धिजीवी मानक भितरे आलोचना हला तो तेणु तार तदंत हेले मते निश्चित भाव आउ किछि तथ्य रहस्य आसी परबो जेमते लागुछि एटा आगुरु प्लान करा हेथिला भलिया लागुछि आउ एहा निश्चय देखिबाकु गले एटा राजनीति चलीछि तंकर जो प्रकार रो पुर्णा केस को आणी की फेरी तंकु भयभीत करबा तो एते दिन भलो भाव रे थिला शांति श्रृंखला रे आंदोलन थिला किंतु एई जगा रे निश्चय प्लानिंग भलिया जणा पडुछि आउ एहा आमे भी निंदा करूछु जे आउ गोटे सेठी पुरौछंती जे तांकर गोटे माने सुप्रीम कोर्ट निश्चय से प्रकार भालसन देखी कि से राय दै छंती तो से सब जानी सुनी की करी छंती सेडे कांग्रेस भी लोकल गिरफ पर प्रतिक्रिया रखी आईएनजीबी गिरफ पर निंदा करी छे कांग्रेस और गुटे प्रतिनिधि टीम गला 28 तारीख समलपुर आसी ओकिल संघ सदस्य आर पुलिस प्रशासन संगे आलोचना करी छन हेले अलगा आड़े घटनार कुड़े दिन उतरुभी बीजेडी मुह नाई खुलबा राज्य सरकार कर बीजेडी नेता सबे चुप रहुचन प्रदेश कांग्रेस सभापति शरद पटनायक आम को निर्देश देले गोटे टीम गठन कले जे को परिस्थिति से माने गिरफ अकुले माने गिरफ होई जंदी कोन से पले अवस्था परिस्थिति थिला पुंखानु पुंख पर तांको खबर नबा संगे बाहर खबर नबा संगे संगे जो माने वर्तमान अछंती ओकिल माने तांको देखा करिया पय हम आसीखलु किंतु दुर्भाग्यवशत आम को ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିଆଗଲା ଏପରିକି 12 ତାରିଖ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଜନୀତି ଦଳ ଶାସକ ପକ୍ଷ ବିଜେଡି ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ଟିକେ ରାଜନୀତିକ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ ବିଜେପି ଧାରଣା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ବି ବନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କାଲି ବିଜେପିର କିଛି ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ପି ଆସୁଛନ୍ତି 5ଟା ଏମ୍ପି 7 ଜଣ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବଲ୍ ଡେଲିଗେସନ୍ ସେମାନେ ଯାଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଚଳେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବି ତାର ଆକାରରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନ ସେଥିଲାଗି ଆଗ୍ନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାଇଁ ପଠାବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବିରୋଧୀ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ବିଜେଡି ଏତେ ଚୁପ୍ ରହୁଛେ ଯେ ଇନୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଆର୍ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଗି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଦରଦ ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଲା ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍